आज बेसिकली हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किस तरीके से होता है और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसे कराने के लिए। इसे हमें एक चार्ट के माध्यम से समझना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है हार्ट। हार्ट से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी आर्टरीज एंड वेन्स ऊपर जा रही है तो हमारे ब्रेन को और हमारे फेशियल साइड को ये कवर कर रही है। लेफ्ट साइड वाली आर्टरी हमारी लेफ्ट बॉडी के पोर्शन को कवर कर रही है, राइट साइड वाली राइट बॉडी के पोर्शन को, और जो नीचे मोटी आर्टरी आ रही है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्टर। ये फर्दर डिवाइडेड हो जाती है दो पार्ट में नीचे जाके, जो कि हमारी दोनों लेग्स को ब्लड प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसमें तीन मेजर सर्कुलेटरी पोर्टल इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा लंग्स और हमारी इंटेस्टाइन को कैसे ब्लड प्रोवाइड करा जा रहा है, कौन सी आर्टरीज और वेन्स हैं जो हमारे लीवर को और इंटेस्टाइन को ब्लड प्रोवाइड कर रही है। दूसरा हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली हमारा किडनी को इन्वॉल्व करता है कि हमारा किडनी के अंदर ब्लड कैसे जा रहा है, किन आर्टरीज या वेन्स के थ्रू वो जा रहा है। तीसरा मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है वो होता है हेड और नेक का, कि हमारे हेड में और नेक के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज और वेन्स जा रही हैं उन्हें ब्लड प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हमारा जो मेजर ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हार्ट। हार्ट से ही सारी ज़्यादातर आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टरीज और वेन्स में बेसिकली डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, क्या होती हैं आर्टरीज और क्या होती हैं वेन्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन या ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिकली इन्होंने ब्लड वेसल बनाई है और यहाँ पर ये वेन है, ठीक है ना। वेन्स में मैंने आपको बताया कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है आर्टरीज के मुकाबले। आर्टरीज में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है हार्ट वो क्या होता है, वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है और उसके अंदर उसकी एनाटॉमी क्या क्या होती है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अब हमें देखना है हार्ट की पोजिशन के बारे में, हमें पता लगाना है कि एग्जैक्ट हार्ट की पोजिशन कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारा ये हिस्सा है गर्दन के नीचे, दिस वन, इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन में बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस। एंगल ऑफ लुईस अगर हम इससे चार उंगली नीचे चलें तो जो हमारी लास्ट फिंगर है वो जिस पे जिस रिब के अंदर पड़ रही है, जिस रिब के ऊपर वो रखी है उसे बोलते हैं फोर्थ इंटरवर्टिब्रल रिब। उसके जस्ट बीनीथ यानी पीछे हमारा हार्ट होता है प्रेजेंट, और हमारा हार्ट ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है तिरछा। ये एग्जैक्ट पोजीशन होती है हार्ट की। अब हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी वॉल्स या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हार्ट मिलकर बना होता है। बेसिकली एनाटॉमी के बारे में हमें समझना है, तो ये देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, या फिर उसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल। डॉक्टर इसको ज्यादातर मिट्रल वॉल से ही बुलाते हैं, बाइकस्पिड वॉल इसका कॉमन नेम है, मिट्रल वॉल इसका एनाटॉमिकल नेम है। इसी तरीके से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इसे ट्राइकस्पिड वॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर तीन कस्प होते हैं, तीन कप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 1 2 3। और इसको बाइकस्पिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दो कस्प होते हैं 1 2। ये आपकी हार्ट की
मेजर एनाटॉमी। इसके बाद हमें देखना है कि हार्ट के अंदर कैसे कंडक्शन होता है, हमारा हार्ट कैसे धड़कता है, उसे धड़काने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है और कैसे कैसे कंडक्शन हमारा हार्ट क्रिएट करता है। आइए देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। आप यहां देख पा रहे हैं कि हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ऊपर एक नोड प्रेजेंट होती है। नोड का मतलब कुछ नहीं, एक ये सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक गुच्छा होता है, मांस का एक गुच्छा जिसे हम बोलते हैं नोड। एक नोड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है साइनो एट्रियल नोड, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में SA नोड भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम नेचुरल पेस मेकर भी होता है। क्योंकि ये नेचुरल पेस मेकर है, पेस का मतलब होता है पेस मेकर, पेस मेकर का मतलब होता है बिजली को उत्पन्न करने वाला, पेस को क्रिएट करने वाला। तो SA नोड से हमारी पेस निकलती है, पेस मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी एक बिजली का छोटा सा झटका निकलता है, वो यहां से होता हुआ नीचे जाता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर ही लोअर पोर्शन में वो जाता है, और वो जिसके पास जाता है उसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी सेम ऐसे नोड की तरह ही होती है। अब इसका काम होता है कि जो इसके पास इंपल्स आई है ये उसे पूरे हार्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा नीचे, और जैसा मैंने आपको बताया ऐसे नोड का नाम नेचुरल पेस मेकर होता है, इसी तरीके से एबी नोड का नाम नेचुरल पेस सेटर होता है। इसको पेस सेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पेस, जो इंपल्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऊपर से आई है ये उसको सेट करता है, उसके एम्पलीट्यूड को सेट करता है, उसकी तीव्रता को सेट करता है। अब जब यहां पर इंपल्स आ जाएगी ऐसे नोड से तो नीचे वाला जो पोर्शन है हार्ट का वो कंपैरेटिवली ऊपर वाले हार्ट के पोर्शन से बड़ा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों चैंबर छोटे हैं नीचे वाले चैंबर्स के मुकाबले। आप देख सकते हैं कितने बड़े चैंबर हैं, ये देखिए ये वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एट्रियम बहुत छोटे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर ऊपर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी तो उसे नीचे प्रोवाइड कराने के लिए, नीचे पहुंचाने के लिए उसको एम्पलीट्यूड को, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है। तो हमारा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है जिसे हम नेचुरल पेस सेटर भी बोलते हैं, उसका यही काम है, जो इंपल्स ऊपर से आई है ये उसको सेट करके नीचे वेंट्रिकल्स में पहुंचाता है हार्ट के अंदर, और ये उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड का मतलब कुछ नहीं, एक सीधी भाषा में अगर बताया जाए तो तीव्रता, तीव्रता को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं वेंट्रिकल का साइज बड़ा है तो इसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की जरूरत होगी एट्रियम के मुकाबले। आइए अब देखते हैं कि हमारे हार्ट को ब्लड यानी खून कौन सी नस प्रोवाइड करती है। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो 24 घंटे धड़कता है, तो उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको भी ऊर्जा चाहिए धड़कने के लिए। तो जो चीज उसे ऊर्जा देती है यानी कि खून, वो हार्ट के अंदर इन आर्टरीज के थ्रू जाता है जो कि हार्ट के ऊपर सिचुएटेड होती हैं, लोकेटेड होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट के ऊपर ये छोटी छोटी मैं आपको नसें दिखा रहा हूँ, ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है जो कि हार्ट को खून प्रोवाइड करेंगी जिससे कि हार्ट को एनर्जी मिलेगी धड़कने के लिए। अब इसके अंदर हमें ज्यादा डिटेल में तो पढ़ना नहीं, तो बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो छोटी छोटी नसें हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज। और आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि दिल का दौरा पड़ना, तो थोड़ी सी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर इन्हीं नसों के अंदर कुछ चीज यानी ये नसें अगर किसी तरीके से ब्लॉक हो जाए, इनके अंदर कुछ चीज फंस जाए तो उस पर्सन को हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो ये नसें जो हैं ये हमारे हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं जिससे कि हमारा हार्ट 24 घंटे धड़कता रहता है, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ऑक्सीजन के थ्रू। इसके बाद हमें थोड़ी सी ये बात भी जाननी जरूरी है कि हार्ट के अंदर ब्लड किस किस तरीके से इन्वॉल्व है, मतलब कैसे कैसे सर्कुलेट करता है हार्ट के अंदर ब्लड।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड होती है, इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और जो हमारी राइट साइड होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है इसके अंदर ऐसा खून है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब देखिए, यहां पर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, और वो किसके थ्रू आता है, वो आता है इन आर्टरीज के थ्रू। आप यहां पर देख सकते हैं, ये दो छोटी छोटी आर्टरीज बनी हुई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। जो हमारा ब्लड है लंग्स से, ये लंग्स से प्यूरिफाई होके आ रहा है। ये दोनों पल्मोनरी वेन है, वेन से सबसे पहले ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उसके बाद हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो हमारा ब्लड पूरा यहां से, आप देख सकते हैं ये जो ये बना हुआ है, ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये प्योर ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इसी तरीके से जो हमारी राइट साइड है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे हमारा लंग्स तक पहुंचता है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट करेगा पहली बार, तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से आप देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये यहाँ पर एक दो तीन चार पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स का मेजर काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना, उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना। तो वो लंग्स में जाएगा, फिर अगेन वैसे ही साइकिल चलेगी, लंग्स से फिर वो दोबारा पल्मोनरी वेन के थ्रू एट्रियम में आएगा। और इसी तरीके से हमारा हार्ट हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। ये हमारा हृदय, हार्ट। आज हमने इन चार्ट्स के माध्यम से सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को समझा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मेजर ऑर्गन है हार्ट, उसकी एनाटॉमी क्या क्या होती है और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, अगर उसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन में काट के देखें। तो आज हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और हार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करी, और फिर हमने ये भी देखा कि हमारे हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है। यहाँ पर हमने सीखा यहाँ पर कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और हमारे चैम्बर्स किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, या फिर उनके बीच में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने सीखा कि हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल पाथवे क्या होता है, जिससे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल पाथवे मतलब हमारा हार्ट कैसे धड़कता है, ऐसे नोड से एबी नोड पे जाना, और जो भी मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी नस करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोनरी आर्टरीज मेजर नसें हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद हमने देखा पंपिंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट के अंदर पंपिंग कैसे होती है, ब्लड कैसे कैसे लंग्स में जाता है और लंग्स से कैसे हार्ट में जाता है। तो आज की हमारी स्टडी यही रही थी। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। थैंक यू।